Good afternoon, dear class 6A and 6B. We will continue the remaining portion of chapter 5. आज हम लोग continue करेंगे chapter 5 को जो हमारा जो हमने कल start किया था, यानी कि changes around us, यानी कि परिवर्तन हमारे आसपास हमारे इर्द-गिर्द. हम changes हर एक तरफ देख सकते हैं ना दिव्याशु, हम आप में भी changes हो रहा है ना. हम जब बहुत छोटे थे तो हमारी हाइट कुछ थी, हमारा मसल का ग्रोथ कुछ था, हमारा फेस पे जो चार्मनेस था या फिर फेस का जो चीज था वो भी कुछ अलग था. अब हम कुछ अलग दिखते हैं, है ना. चेंजेस हम आपकी बॉडी में भी देखने को मिल रहा है, किचन में भी देखने को मिल रहा है, अपने सराउंडिंग में भी देखने को मिल रहा है, अपने क्लासरूम में भी देखने को मिल रहा है, हर जगह, इवन वेदर में भी देखने को मिल रहा है ना. चेंजेस हर जगह है ना. अर्णव अर्णव आवाज जा रही है. चेंजेस यस मैम. इवन हमारे बिहेवियर में बहुत से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. कभी कभी हमारे बिहेवियर कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कभी हमारे फीलिंग्स कुछ होते हैं. तो चेंज हर जगह, हम बदलाव परिवर्तन हर तरफ ही देखते हैं और बदलना ही प्रकृति का नियम है, जैसा कि हम ये सुनते आए हैं. ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, स्पीड के आधार पर चेंजेस दो तरह के होते हैं. कौन कौन से अर्णव अर्णव कौन कौन से? On the base of the speed, ma'am, repeat please, ma'am. On the base of the speed, visible and invisible. Ma'am, slow and fast. On the basis of, very good, Arnav. कि speed के basis पे आधार पे changes दो तरह के होते हैं. एक speed, एक होता है fast changes और एक होता है slow. कुछ changes आपको बहुत जल्दी दिखते होंगे, है ना? और कुछ बहुत slow. जैसे कि आप अगर कागज को जलाते हो, है ना? कागज को आप जैसे ही जलाते हो देखते हो ये बहुत जल्दी जला, ये जो चेंज हुआ, ये बदलाव हुआ, कागज जो था एक और शीट का जो पेपर था वो जल्दी ऐश में बदल गया. ये फास्ट चेंज का एग्जांपल हुआ, है ना. अब कुछ चेंजेस जैसे कि प्लांट, आपने छोटे से पौधे को रोपा, लगाया, प्लांट किया, तो धीरे धीरे करके करके एक प्लांट ट्री में बदलेगा. तो यहाँ भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये चेंजेस फास्ट करना? यस मैम. प्लांटिंग ऑफ ट्री, आप ग्रोइंग प्लांट का अगर हम बोले कि बढ़ते हुए पौधे का एग्जांपल आपको बताना है कि ये फास्ट में या स्लो चेंज में है, क्या इसका आंसर होगा? मैम स्लो. मैम प्लांट्स ग्रोइंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, दिव्यांशु ये किस चीज का एग्जांपल है, स्लो या फास्ट चेंज? दिव्यांशु राज 6B. यस मैम. बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, ये स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है? फास्ट चेंज. हमने क्लास में पढ़ा कि स्पीड के बेसिस पे चेंजेस दो तरह के होते हैं, फास्ट चेंजेस और स्लो चेंजेस, जिसमें टाइम कुछ मतलब थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, घंटे लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं. ऐसे चेंज को हम कहते हैं स्लो चेंज, है ना. जैसे कि अगर हम दूध से दही बनाना चाहिए तो इसमें कुछ वक्त लगेगा, कुछ घंटे लगेंगे, है ना. तो ये हो गया स्लो चेंज का एग्जांपल. अगर हमने एप्पल को काटा, एप्पल को कट किया, तो एप्पल तो तुरंत कट हो गया. तो ये चेंज जो आपको दिखा, जो पूरा शेप था मेरा दो इक्वल हिस्सों में बढ़ गया, ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? साक्षी, फास्ट या स्लो चेंज? मैम फास्ट चेंज. तो चेंजेस हम हर ओर देख रहे हैं. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवर्सिबिलिटी के आधार पर कि कौन सी चीजें वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगी, उसके बेसिस पे भी ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी चेंजेस दो तरह के होते हैं. एक होता है रिवर्सिबल चेंज और एक होता है इरिवर्सिबल. जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, ये हमारा आइसक्यूब है. सपोज ये हमारा आइसक्यूब है, ठीक है, ये आइसक्यूब है, ठीक है, ये आइसक्यूब है. अब इसको हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला और नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रख दिया, ठीक है. धीरे धीरे करके ये लिक्विड में बदल जाएगा, है ना, लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक फर्क है. रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें ये आपका ओरिजिनल रूप था, पानी का ये ओरिजिनल रूप था, है ना.
ओरिजिनल रूप से नया चीज क्या बना, लिक्विड बना, नया नहीं बना, कोई दूसरा रूप क्या हुआ इसका, लिक्विड हुआ। अगर हम चाहें इस लिक्विड को जो तरल फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है, इसे हम फिर आइस फॉर्म में चाहें बदल दें, तो ये हो पाएगा साक्षी? यस मैम, बिल्कुल हो पाएगा। जैसे हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। कहते हैं जिसमें कोई चीज एक दूसरे रूप में बदल जाए और फिर वो बदला हुआ रूप फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, इस चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज को हम इस एरो के जरिए दिखाते हैं, मैंने आपको एक चीज बताया था। और इरिवर्सिबल चेंज ऐसी चेंज जिसको अगर कोई दूसरे रूप में बदले तो बदला हुआ रूप फिर से अपने वापस ओरिजिनल रूप में आ जाए, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज। अगर हम चाहें कागज को जला दें और उससे ऐश जो मिल रहा है, राख मिल रहा है, उस राख से हम फिर अपना A4 साइज वाला पेपर हासिल करना चाहें, तो क्या हमें मिल पाएगा? मिल पाएगा अन्वेषा? अन्वेषा मिल पाएगा? मिल पाएगा? अगर जले हुए कागज से हम ऐश प्राप्त करें और उस ऐश से हम चाहें फिर से हमारा ओरिजिनल पेपर मिल जाए, तो क्या मिल पाएगा? मिल पाएगा? नो मैम, नहीं मिल पाएगा। ऐसा चेंज है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रौनक, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? नो मैम, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। वो दोबारा आएगा, इरिवर्सिबल मैम, वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। चेंज जिसमें आपका कोई चीज दूसरे रूप में बदल रहा हो और बदले हुए रूप से आप फिर चाहे कि वो ओरिजिनल रूप आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसा चेंज कहलाता है इरिवर्सिबल। ये केवल एक डायरेक्शन में होता है, केवल एक डायरेक्शन में, जबकि रिवर्सिबल जो होता है ये वो डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग इसके एक और चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशंस, मतलब कंपोजिशन के बेसिस पे चीजें जो होती हैं उनमें भी बदलाव दो तरह से होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, तो पेज नंबर खोलते हैं, पेज नंबर 34। पेज नंबर खोलो 74 खोलो। ठीक है, सबने खोला पेज नंबर, साक्षी पेज नंबर 74 का एक्टिविटी 5 पढ़ो। ओके मैम, स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, व्हेन वी स्विच इट ऑफ इट स्टॉप ग्लोइंग, इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्मड एंड वी कैन and we can get back the bulb to its original condition. हाँ, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं, स्टार्ट हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है ना, और जब इसको ऑफ करते हैं तो ये बंद हो जाता है, मतलब जलना बंद हो जाता है, तो क्या बल्ब जलाने के बाद कुछ नया चीज बन रहा है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका बल्ब कुछ और देने लगा, कुछ और नया चीज बना दिया, नहीं ना। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि तो यहाँ पे पढ़ते हैं, स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, व्हेन वी स्विच इट ऑफ इट स्टॉप ग्लोइंग, इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्मड एंड वी कैन गेट बैक द बल्ब टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। मतलब फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा है। बल्ब को जला रहा है, ऐसा नहीं कि बल्ब जलने के बाद AC बन गया, वो ट्यूबलाइट बन गया, नहीं ना। यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बन रहा है, ठीक है, और जैसे ही इसको हम ऑफ करते हैं फिर से ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। बल्ब पहले नहीं ग्लो कर रहा था, जब हम स्विच ऑन किए तो बल्ब ग्लो करने लगा, जैसे ही इसको स्विच ऑफ किए बल्ब फिर से उसी कंडीशन में, उसी पोजिशन में, उसी रूप में आ गया। तो ये हो गया फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, जब कोई भी चीज के, याद रखोगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंजेस एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का स्टेट, अवस्था, स्टेट समझते हो ना, अवस्था मैंने आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ मैटर में, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, याद होगा आपको कि हमारे फिजिकल स्टेट कितने से हैं, केमिकल स्टेट कितने हैं, मैटर के जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो पढ़ा था। तो अवस्थाएं रूपों में जो परिवर्तन आपको देखने मिलता है, जैसे मान लो कि आइस, आइस था आपको, वो पिघल के पानी में बदल गया, ठीक है, आइस जो था जो सॉलिड फॉर्म में था वो बदल गया लिक्विड फॉर्म में, वाटर में।
तो ये बताओ यहाँ पर स्टेट बदला है ना साक्षी, यहाँ पर क्या हुआ अर्णव, यहाँ पर सिर्फ उस वस्तु का स्टेट बदला, लेकिन है तो दोनों पानी ही ना, ऐसा नहीं कि आइस में H2O नहीं है, आपका लिक्विड फॉर्म में ही H2O है तो H2O ही ना। तो वही बोल रहा है yes, जब कोई चेंज में, जब कोई वस्तु की स्टेट में, शेप में, साइज में, कलर में चेंज देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर इस पेपर को हम ले रहे हैं, ठीक है, इस पेपर को अगर हम लेते हैं और इसे हम फोल्ड कर देते हैं, है तो ये पेपर ही ना, सिर्फ इसका, सिर्फ इसका क्या बदला अर्णव, इसका सिर्फ शेप बदला, अब ये राउंड बॉल शेप हो गया है ना, बॉल के शेप का हो गया। यहाँ पर है तो ये पेपर ही ना, आदमी की ये पेपर नहीं है, पेपर जब एक और साइज था तभी पेपर है तो पेपर, तो ऐसा चेंज जिसमें कोई चीज का स्टेट चेंज हो, शेप चेंज हो, साइज चेंज हो और कलर चेंज हो, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर हम आयरन के रॉड को लें और उसे बेंड कर दें, मोड़ दें, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहले आयरन का वायर था वो पहले स्ट्रेट था, लेकिन जैसे ही उस पर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया वो बेंड कर गया, मुड़ गया। सिर्फ यहाँ पे आपने कैसा चेंज देखा, यहाँ पे उसका उसका शेप बदला, शेप बदला ना, है तो वो आयरन का वायर ही ना, है ना, है तो वो किसका वायर, आयरन का ही वायर है। तो वही बता रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट के, जब कोई सब्सटेंस के शेप में, स्टेट में, साइज में और कलर में चेंज आपको देखने को मिले, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हमारा ग्रोथ, हम छोटे बच्चे थे, अब हम थोड़े ड्यूरिंग पीरियड में चल रहे हैं, हम फिर यंग होंगे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। आपकी बॉडी का सिर्फ साइज बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ा ना है कि आपके बोन्स में कैल्शियम था, फॉस्फोरस था, वो भी बढ़ रहा है, वो भी बदल रहा है। एक चीज और याद रखोगे, फिजिकल चेंज में कोई नया चीज नहीं बनता है, याद रखोगे फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें किसी भी वस्तु का स्टेट, अवस्था, शेप, साइज, कलर बदले, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है, फिजिकल चेंज में कोई भी नया चीज नहीं बनता है। जैसे कि मान लो इस कागज को मैंने फोल्ड किया, तो यहाँ पर कागज का सिर्फ शेप बदला, ऐसा नहीं कि कागज कोई नई चीज में बदल गया, ऐश में बदल गया, ये कोई राख बन गया, यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बना, कंपोजिशन वही है लेकिन इसका शेप सिर्फ बदला है ना। तो फिजिकल चेंज उसे कहते हैं, those change in which no new substance formed are called physical change, and the change in state, size and color of substance. इसमें केवल उस substance का color, state और size, shape change होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा हुआ physical change, ठीक है। इसके बहुत सारे examples है, कोई example मेरे दो भाई, crushing a can, जब हम कोई कैन को, कैन समझते हो ना, टीन का डब्बा, उसे जब हम मोड़ते हैं, चमोड़ते हैं, है ना, मोड़ देते हैं, क्रश कर देते हैं, तो वो मुड़ के अपना शेप बदल लेता है, पहले वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो वो टूट मतलब इरेगुलर शेप में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, टीन जो था, जिसको आपने, जिसको कैन कह रहे हो, टीन जो था, टीन टीन है ना, एक ये है, वो क्या टीन से क्या एल्यूमिनियम में बदल गया, नहीं ना, वो तो है तो टीन ही ना, है तो अर्णव वो टीन ही है ना, सिर्फ उसका शेप बदला। अब उसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस आइस ले रहे हैं, बर्फ, बर्फ पिघलना शुरू हुआ, इसका स्टेट बदला, पहले बर्फ किसमें था, कौन से स्टेट में था साक्षी, पहले कौन से स्टेट में था साक्षी, सॉलिड स्टेट में था। मैं क्या था, फिजिकल चेंज में वैसा चेंज जिसके किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के स्टेट में, शेप में, साइज में, कलर में बदलाव देखने को मिले, ये चेंज कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। तो पहले आपका मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल है आपका फिजिकल चेंज का। कैसे, आपका जब आइस था तो वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जैसे ही इसको हम रूम टेम्परेचर में लाते हैं या रेफ्रिजरेटर से बाहर निकल, धीरे धीरे करके वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जो सॉलिड स्टेट था वो बदलना शुरू हो जाता है, किसमें,
लिक्विड स्टेट में, यहाँ हाँ इसने कोई क्या नया चीज बना? अब ऐसा तो नहीं कि भाई हमारा सॉलिड फॉर्म में वो मतलब मिल्क था, अब नया चीज जब वो पिघला तो बन गया वाटर, ऐसा तो नहीं था। था तो सॉलिड फॉर्म में भी हुआ वाटर और लिक्विड फॉर्म में भी वाटर, यहाँ पे कोई नया चीज बना अर्णव? अर्णव गौतम यहाँ पे कोई नया चीज नो मैम, नहीं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। मेकिंग है ब्रेकिंग अ ग्लास, आप किसी ग्लास को जब तोड़े, मान लो कोई ग्लास है स्लाइड है, उसको आप जब तोड़ेंगे उसके पार्ट उसके रूप बदलेंगे, उसके हिस्से अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन है तो वो ग्लास ही ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके फिजिकल चेंज की, जैसे दिया हुआ आपके बुक में। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस चेंज आर बेंडिंग अ कॉपर वायर इनटू डिफरेंट शेप इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है भाई? आपने एक आयरन वायर लिया जो कॉपर से बना हुआ, इसको आप बेंड करोगे, ठीक है, मुड़ोगे, इसका शेप बदला, लेकिन है तो ये क्या है? क्या ये गौतम है? तो ये कॉपर ही ना, ठीक है, कोई नया चीज तो नहीं बन गया। जैसे कॉपर के वायर को मोड़ा तो वो तो कहीं ऐसा नहीं है कि आयरन का वायर बन गया, नहीं ना। ब्रेकिंग ऑफ चौक, अगर हम चौक को तोड़े, ठीक है, ये चौक है, चौक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये टूट गया, दो भागों में बट गया, है ना, दो भागों में बट गया, ठीक है, इसका शेप पहले ऐसे था, अब ये दो हिस्सों में बट गया, लेकिन है तो ये चौक ही ना, और कोई नया चीज तो नहीं बना तोड़ने के बाद, ऐसा नहीं है मार्कर पेन बन गया, नहीं ना, है तो ये चौक ही। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज जिसमें तो जिसमें किसी भी वस्तु का स्टेट, कलर, शेप, साइज बदले, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और फिजिकल चेंज में कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, टम्बलर समझती है, ग्लास इसको कहते हैं वो। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे किसके, फिजिकल चेंज के। सबको समझ में आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत? यस मैम, नहीं नहीं ना, फिजिकल यस चेंज मैम, नो, मुझे कोई और फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल बताओ। सृजन कुमार 6A, सृजन आर यू गेटिंग माय वॉइस? सृजन यस मैम, कुछ और मुझे एग्जाम्पल बताओ फिजिकल चेंज के। दिव्यांशु कोई बताओ। मैम फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज को अगर आपने समझ लिया तो आप बता लोगे। चॉपिंग, लाइक पेपर, चॉपिंग ऑफ वुड, अगर हम वुड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। आप सब्जियों को काटते हैं, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। अब ऐसा नहीं मम्मा काट काट रही है भिंडी, यहाँ भिंडी का रूप बदला, साइज बदला, नहीं है कि भिंडी कटते कटते कटने के बाद बन गया, चॉपिंग वेजिटेबल्स, है ना, ऐसा तो नहीं है कि भिंडी कटने के बाद बन गया क्या पत्ता गोभी, कोई नया चीज तो नहीं बन गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज को, पढ़ते हैं, साक्षी पढ़ो एक्टिविटी 7। मैम एक्टिविटी 6 नहीं, हाँ एक्टिविटी 6 पढ़ो। टेक सम शुगर क्रिस्टल्स, वी नो दैट शुगर इज व्हाइट इन कलर, स्वीट इन टेस्ट एंड हैज नो ऑडर। नाउ ग्राइंड द शुगर इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू पाउडर फॉर्म, वी विल ऑब्जर्व दैट ग्राइंडिंग चेंज इट फ्रॉम क्रिस्टल इन क्रिस्टल टू पाउडर फॉर्म, इट रिमेन्स व्हाइट इन कलर, स्वीट एंड ओडोरलेस इवन इन द पाउडर फॉर्म, एज सच नो न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्मड। ये जो एक्टिविटी है ये आपको फिजिकल चेंज के बारे में ही बता रहा है। आपको क्रिस्टल्स लेने हैं शुगर के और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना, पीस देना है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस देना है। जो आपका क्रिस्टल फॉर्म में आपका शुगर था, जो कि शुगर टेस्ट में मीठा होता है और कलर में व्हाइट होता है, ठीक है, आप जब उसको बदलेंगे तो उसका रूप बदल गया। यहाँ पे क्या उसका रूप बदल गया ना, वो पाउडर फॉर्म में आ गया, लेकिन लेकिन है क्या ये नमक तो नहीं बन गया ना, नमक भी छोटा सा होता है, थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन आप जब शुगर को पीसे तो क्या वो आपका क्या बोलते हैं शुगर में बदल, ये सॉल्ट में बदल गया, नहीं ना। यहाँ पर भी ये एक्टिविटी आपको बता रहा है कि ये भी फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को बढ़िया समझ गए हैं। अब एक्टिविटी 7 पढ़ते हैं। दिव्यांशु एक्टिविटी 7 पढ़ो, पेज नंबर 75।
take some sugar in a china, dish and heat it on a burner. You will observe that sugar becomes brownish black and is now bitter in taste. It is a permanent and invisible change in which a new substance has been formed. इसमें बता रहा है एक चाइना डिश में हम क्या लेंगे. चाइना डिश किस तरह का होता है, डिश है ये, चाइना डिश है ठीक है. इसमें हम लोग शुगर लेंगे ठीक है, शुगर लेंगे और इसे बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे ठीक है. जैसे ही इसको हीट करेंगे जो इसका कलर था, जो चीनी का कलर था व्हाइट था ठीक है, ये बदल जाएगा ब्राउन, ब्राउनिश ब्लैक ठीक है. ब्राउनिश ब्लैक में ये बदल जाए, जहाँ व्हाइट था एक कुछ नया चीज बन जाएगा ठीक है, कुछ नया चीज बन जाएगा ब्राउनिश ब्लैक का, जिसका टेस्ट भी काफी कड़वा होगा और ये एक परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है. परमानेंट चेंज मतलब अगर ये बदलाव हो गया है, अगर ये बदलाव हो गया है आप चाहोगे कि इसको फिर से हम चीनी में बदल दें तो ये नहीं होती, परमानेंट चेंज है. और इरिवर्सिबल चेंज उसी चेंज को कहते हैं जो कोई चीज अपने रूप को बदल ले और बदले हुए रूप से फिर क्या हम ओरिजिनल रूप को नहीं ले पाए, नहीं कर पाए, उस चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज. इसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नया चीज बन रहा है ना, जहाँ शुगर था और जहाँ कुछ नया चीज बन गया जो कलर में भी और टेस्ट में भी बहुत अलग है अपने ओरिजिनल वाले रूप से. तो यहाँ पे कोई नया चीज का फॉर्मेशन होता है. दिस टाइप ऑफ चीन इन विच अ न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्मड इज कॉल्ड केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज का फॉर्मेशन हो. अ केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर, न्यू मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड नो मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड ठीक है. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एक आयरन की पीस को लें, आयरन को लें, आयरन को हम अगर मॉइस्चर वाली जगह पे छोड़ दें, रख दें, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन सा चीज, कुछ लेयर बनना शुरू हो जाता है, जैसे हम रस्ट कहते हैं आम भाषा में, हम कहते हैं रस्ट, हिंदी में कहते हैं जंग. और जंग जो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से होता है. जब आयरन को मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, ऑक्सीजन जब उससे रिएक्ट करता है तो आयरन पे एक नया लेयर बनना शुरू हो जाता है, एक नए सब्सटेंस का लेयर बनना शुरू हो जाता है. एक्चुअल में जो आपका रस्ट होता है ना, वो कोई लोहा नहीं होता, बल्कि वो लोहे से बहुत अलग चीज होता है. तो जब हम हमारा लोहा जो होता है, हमारा आयरन जो होता है मॉइस्चर की कॉन्टेक्ट, क्योंकि हमें पता है एयर में मॉइस्चर भी, हम क्लास 5 में भी पढ़े हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर में, हमें याद होगा ना कि बहुत सारे गैसेस से मिलके बना है हमारा हवा, मॉइस्चर से मिलके बना है. तो जैसे ही हम लोहे को, आप कभी कभी देखना बरसात में, हम ये आपको खासकर अपने घरों में भी देखने को मिल सकता है, लोहा होता है ना आयरन पैन, लोहे का तवा मम्मा यूज करती है किचन में, लोहे का तवा कभी कभी मम्मा उसको धो के ऐसे रख देती है, रात के वक्त धो के रखती है और छोड़ दी, देखना उस पर कुछ ब्राउन ब्राउन सा पैचेस बनना शुरू हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन सा आपको स्पॉट दिखाई देगा, वो एक्चुअल में रस्ट होता है. तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नए चीज का फॉर्मेशन हो रहा है. देख रहे हो ना यहाँ पर क्या नया चीज का फॉर्मेशन हुआ, लोहे से नया चीज क्या बना साक्षी, लोहे से कुछ नया चीज क्या बन गया, रस्ट. रस्ट, वेरी गुड वेरी गुड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नई चीज का फॉर्मेशन हो गया. तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है ठीक है. एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक्टिविटी 8 पेज नंबर 75, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक. क्या करेंगे, माचिस के तिल्ले के हेल्प से हम एक कागज को जलाएंगे. यहाँ पर हम कागज को फोल्ड कर रहे थे है ना, यहाँ पे हम कागज को फोल्ड कर रहे थे, हम फिजिकल स्टेट पढ़ रहे थे, लेकिन क्या करना है हमें माचिस से या लाइटर से हमें इसे जलाना है. जब आप जलाओगे तो पाओगे कि ये जो कागज है बहुत जल्दी 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 जलना जलना शुरू हो जाएगा और ये जो कागज था ये बदल जाएगा किसमें, राशि, किसे बदल जाएगा, राशि ऐश में, राख में. यहाँ पे देख रहे कागज कुछ था, राख कुछ था, ओरिजिनल चीज था, उससे कोई नया चीज बन गया.
तो जिसमें नए चीज का फॉर्मेशन हो जो अपने ओरिजिनल रूप से काफी अलग हो, उस तरह के चेंज को हम कहते हैं क्या, कौन सा चेंज कहते हैं राशि? इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज। याद रखोगे केमिकल चेंज मोस्टली केस में, लगभग सभी के केस में ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। अगर आप चाहो, अगर आप ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दही, हमारा दूध से दही बना ना, अब मैंने पढ़ाया आपको केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई ओरिजिनल चीज से कुछ हट के चीज बन रहा, कुछ नया चीज बन रहा हो, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। मुझे ये बताओ राशि, दूध से अगर हम दही बना रहे हैं तो क्या ये केमिकल चेंज है या नहीं है? यस मम्मी, केमिकल चेंज। बिल्कुल केमिकल चेंज है राशि ने, बिल्कुल आंसर किया, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और एक स्लो चेंज का एग्जांपल है या फास्ट चेंज का एग्जांपल है राशि? यस मैम, मैम स्लो चेंज। स्लो चेंज, वेरी गुड, स्लो चेंज का भी एग्जांपल है। अब मुझे ये बताओ ये आपका रिवर्सिबल चेंज में भी आए, रिवर्सिबल चेंज में जाएगा या इरिवर्सिबल चेंज में जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। वेरी गुड, आप चाहोगे कि दही से हम चीज को बना लें तो नहीं होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है। मैंने पूछा कि अगर हम फिजिकल और केमिकल में आपको बोले कि टिक लगाए, ये मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये किस चीज का एग्जांपल है, केमिकल या फिजिकल? तो क्या कहोगे साक्षी, ये किस चीज का एग्जांपल है? मैम रिपीट अगेन, ये मेकिंग ऑफ कर्ड ना, याद रखना ये तीनों में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका स्लो चेंज, ये आपका केमिकल चेंज, और ये इरिवर्सिबल चेंज है। क्योंकि अगर आप चाहोगे दही को वापस, नहीं मेरे को दही नहीं, अब मुझे फिर से दूध चाहिए, अब भाई बोलेगा दही, भाई मैं तो दूध दही बन गया, अब मैं नहीं बदलने वाला, अपना रूप नहीं बदलने वाला। तो मोस्टली केस में जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और क्या चेंज होते हैं, परमानेंट चेंजेस। जैसे कि एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं, बर्निंग ऑफ वुड, आपका लकड़ी को जब जलाएंगे उससे आपको चारकोल मिलेगा, लकड़ी का कोयला काला काला सा, है ना? तो जब आप लकड़ी को जला रहे थे वो ब्राउन कलर का था, है ना, था कुछ और सॉलिड फॉर्म में ब्राउन कलर में, लेकिन जैसे ही उसको जला रहे कुछ अलग रूप आपको मिला, उसको नया कुछ चीज मिला, जिसे हम चारकोल नाम दिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका, क्या साक्षी एग्जाम्पल, केमिकल या फिजिकल? मैम केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल या फिजिकल? मैम आयरन केमिकल या फिजिकल? मैम केमिकल चेंज। केमिकल, वेरी गुड, क्योंकि लोहे से कुछ नया चीज बन रहा है, वहां पे लोहे पे कुछ नया चीज, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने पर नया चीज बन रहा है, वो है हमारा रस्ट, जो हमारे आयरन से काफी अलग चीज होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इट इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल हाँ, मिल्क इज अ लिक्विड, है ना, मिल्क जो होता है लिक्विड होता है, लेकिन आप मतलब दूध का दही में जमने का कुछ कर्डली सा, कुछ दही सा, कुछ गाढ़ा सा सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम कर्ड कहते हैं, सेमी सॉलिड होता है ना, वो ना बिल्कुल सॉलिड ना बिल्कुल लिक्विड, सेमी सॉलिड, बीच बीच वाला। ठीक है, और ये अपने टेस्ट में भी बहुत अलग होता है, मिल्क को अगर आप पियोगे थोड़ा मीठा मीठा लगेगा, लेकिन अगर आप दही खाते हो थोड़ा खट्टापन सा लगेगा, तो ये अपने ओरिजिनल रूप से काफी अलग है ना, कुछ अलग है ना, तो ये आपका एग्जांपल हुआ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। फिर आपका एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 76 में ही, ठीक है, पेज नंबर 6 में ही दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि टियरिंग ऑफ पेपर। राशि, पेपर को जब हम फाड़ रहे हैं तो वो फिजिकल है या केमिकल चेंज है राशि? मैम फिजिकल चेंज। वेरी गुड, किसने आंसर किया, बॉइलिंग ऑफ एन एग। साक्षी, केमिकल या फिजिकल? यस मैम फिजिकल, बॉइलिंग ऑफ एन एग, सही से मैम, ध्यान से एकदम, फिजिकल या केमिकल, आप जब अंडे को बॉइल करते हो तो ये केमिकल है या फिजिकल है? मैम फिजिकल, केमिकल है, एग्जांपल केमिकल चेंज नहीं आएगा, याद रखोगे। ठीक है, टेस्ट भी बदलेगा, आपका कच्चा अंडा और उबले हुए अंडे में बहुत अंतर होता है,
कच्चा अंडा जो होता है वो कुछ लिक्विड लिक्विड सा टाइप का रहता है, जैसे ही आप उसको बॉईल करते हो उसका कुछ भी बदलाता है ना, उसका टेस्ट भी बदलाता यस है। तो ये कुछ नया चीज आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो जो अपने ओरिजिनल रूप से काफी अलग है। तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बेकिंग अ केक केमिकल या फिजिकल? मैम केमिकल चेंज। वेरी गुड, क्योंकि आटा लिया भाई पाउडर फॉर्म में था, शुगर लिया सॉलिड फॉर्म में था, अब कुछ नया बन गया, कुछ हटके बन गया उससे। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज का, राष्ट्रीय केमिकल का। ठीक है केमिकल ना, नो न्यू सब्सटेंस, एक चार्ट दिया हुआ आपके बुक में, फिजिकल और केमिकल चेंज कंपेयर चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे फिजिकल में लिखा हुआ है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल में कोई नया चीज नहीं बनता बल्कि उसके अपीयरेंस में या फिजिकल स्टेट में ही परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ये चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में कुछ नया चीज बन रहा होता है जो अपने ओरिजिनल रूप से काफी हटके होता है ना। अंडा था कुछ और कच्चे में, बॉयल हुआ तो एकदम हटके हुआ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं फिजिकल चेंज में, जैसे कि टियरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना, पानी लिक्विड फॉर्म में था उसको हमने फ्रीजर में डाला तो वो सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे स्टेट बदलाया। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके फिजिकल। केमिकल के रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब हम लोगों ने खा फूड लिया, फूड जो है उनके नया चीज बन गया ग्लूकोज में, हम आगे पढ़ेंगे तो जब हम पढ़ेंगे तो उस पर पढ़ेंगे, कुछ नया चीज बन गया, तो ये आपका केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, भाई चावल का कुछ और रूप में था, अब चावल से कुछ नया बन गया, चावल से बन गया भात, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, ये भी आपका कुकिंग ऑफ फूड भी, बर्निंग ऑफ पेपर, बट पेपर का जलना भी केमिकल चेंज में आता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट ये भी केमिकल चेंज में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके केमिकल और फिजिकल चेंज में आते हैं। आपको पेज नंबर 77 करके आना है, वन बाय वन कल हम सबसे पूछेंगे। आपको दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस इनटू मोर देन वन कैटेगरी, आपको या तो कोई ऐसा भी इसमें एग्जाम्पल होगा जो तीनों कैटेगरी में आ जाए, या कोई ऐसा भी होगा जो एक में आए या एक से ज्यादा में आए, इसको आपको कैटेगराइज करना है। ये आपके लिए होमवर्क की तरह है, पेज नंबर 77 से आप लोग सब करके आइएगा, वन बाय वन हम सबसे सुनेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, आपको कल इसका आंसर करना है। ठीक है, ठीक है राष्ट्रीय, ओके मैम, समझ में आया क्या फिजिकल चेंज? यस मैम। ठीक है, तो कल सवाल के साथ अपना मतलब अपना क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम।